नमस्ते दोस्तों, मैं शीला द होमी मिल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरी धनिया और आलू की बहुत ही चटपटी सी रेसिपी, जो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार है। इसे यूपी साइड में शादियों और पार्टियों में भी सर्व किया जाता है, सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बनाते हैं इस सिंपल सी और मज़ेदार रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए स्मॉल साइज के आलू, यानी कि बेबी पोटैटो। तो मैंने यहाँ पे हाफ के जी छोटे साइज के आलू लिए हैं, यानी कि 500 ग्राम आलू है ये। और इन आलूओं को छीलकर बहुत अच्छे से धो लिया है मैंने, तो इन्हें अब हम काट लेते हैं। इस तरह से हमें इसे बीच से काटना है, दो भाग करना है इनके, इनको हमें बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नहीं काटना है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको एकदम छोटे साइज के ही आलू लेना है, और सर्दियों में छोटे साइज के आलू इजिली मिल भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बाय चांस छोटे साइज के आलू नहीं मिलते हैं तो आप बड़े साइज के आलू ले लीजिए और इन्हें इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से इन आलूओं को काट लिया है मैंने। तो इन्हें अब हम रखते हैं साइड में और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है मैंने और फ्लेम को ऑन कर लिया है। तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल और गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस रेसिपी को आप देसी घी में भी बना सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच इसमें हम डालेंगे जीरा और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे सौंफ। तो फ्रेंड्स, ये जो खड़े मसाले हैं बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हैं और ये बेसिक से मसाले सभी के घरों में आसानी से मिल जाते हैं, और इन मसालों से इस रेसिपी में एक बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये खड़े मसाले हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जितना पीली सरसों और इसे भी इसके साथ अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इससे भी इस रेसिपी में एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, ये खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए आलू और इन आलूओं को डालकर इसमें हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों के साथ इसे हम भून लेंगे। और गैस के फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम टू हाई पे रखना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे 1 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। तो इसे भूनते हुए हमें 1 मिनट हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो दोस्तों, हल्दी पाउडर डालना एकदम ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। साथ ही साथ 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। तो बहुत ज़्यादा मसाले इसमें हमें नहीं डालना है और नमक भी हमें इसमें कम ही डालना है अभी। तो इन सबको डालकर मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे लिड और इसे हम ढककर पकाएंगे 4-5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि आलू अच्छे से पक ना जाए। और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे से आलू जले ना, तले में लग ना जाए। तो ये देखिए, 4-5 मिनट हो गया है इन आलूओं को पकते हुए, आप देख सकते हैं इसमें बहुत बढ़िया सा कलर आने लग गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इन आलूओं में। तो इन आलूओं को हम अच्छे से उलट पलट देंगे और इसे हम एक बार फिर से ढक देंगे और इसे ढककर हम पकाएंगे जब तक कि आलू अच्छे से पक ना जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक ये आलू पक रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए बनाते हैं एक चटनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया लिया है, ये 1 कप है, इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है और इसे हम डालेंगे इस मिक्सी जार में। और इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पर मिर्ची ली है, तो ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इन्हें हम इसमें डाल देंगे कट करके। तो फ्रेंड्स, तीखा आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगा, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो 1 से 2 मिर्च आप इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, और अगर तीखा कम पसंद है तो इसमें से मिर्चें कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अदरक। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक के टुकड़े को लिया है, इस तरह से इसे बारीक बारीक काट लेंगे, इसे हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे लहसुन, तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 कली लहसुन लिया है, इसी इसमें हम डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे आप हटा सकते हैं इसमें से। तो इस चटनी को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है काजू, तो 6 से 7 काजू लिया है, इसे हमने तोड़ लिया है, इसे अलग अलग कर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे इस चटनी में। इससे इस चटनी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, एक क्रीमी सा। और अगर आप ये काजू नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप मूंगफली भी डाल सकते हैं और इन सब के बगैर भी इस चटनी को बना सकते हैं। तो इसी के साथ इसमें हम डालेंगे नमक, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है, इसे इसमें हम डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें इसमें। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर, तो 1 चम्मच जितना अमचूर पाउडर लिया है इसे इसमें हम डाल देंगे, इससे इस चटनी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। साथ ही साथ इसमें हमें डालना है पानी, तो 2 से 3 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इस चटनी को हम ग्राइंड करेंगे, एक स्मूथ सा इसे हम पीस कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस चटनी को हमने पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ बनकर तैयार हुई है ये, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और चटपटी सी बनी है ये चटनी। तो इसे हम रखते हैं साइड में और अब हम अपने आलू को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये आलू हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बहुत अच्छे से कलर आया है इसमें, बहुत प्यारा सा, आप देख सकते हैं इसे। तो एक आलू अब हम चेक करके देख लेते हैं ये पके हैं कि नहीं।
तो ये देखिए दोस्तों, ये आलू हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से बहुत करारा एकदम बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं इसे। तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। इस तरह से फ्राई करके आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे तिल। तो थोड़े से तिल लिया था मैंने और इसे हल्का सा भून लिया था। तो एक चम्मच जितना हम तिल इसमें डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो है ये रेसिपी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो दोस्तों, अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे चटनी जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है, और चटनी डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और चटनी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे डालकर बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस। तो इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ नींबू लिया है, इसका जूस इसमें हम डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे डालने से ये जो है हमारी रेसिपी और भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो नींबू का जूस आप ज़रूर डालिएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हरी धनिया के चटनी वाले चटपटे आलू बनकर तैयार है खाने के लिए। और यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं ये। तो दोस्तों, जब आपको कुछ चटपटा सा और टेस्टी सा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे डालकर गार्निश कर लेंगे। इसे साथ ही साथ भुना और दरदरा कुटा हुआ धनिया के पाउडर को डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे भुने और कुटे हुए जीरे के पाउडर को। इससे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये। और हल्का सा इसके ऊपर हम लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी ये। और धनिया के पत्ते से इसे हम गार्निश कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हरी धनिया के चटनी वाले चटपटे आलू बनकर तैयार है। इन्हें आप सुबह या शाम में कभी भी ट्राई कर सकते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा खाने में यम्मी लगेगा। इसे आप पूड़ी या पराठों के साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक यू।